हेलो फ्रेंड्स, सोनास के टिप्टी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करेंगे, देखिए ये वाला थल पोज का पार्ट सेकंड जो कि हमने आपके साथ शेयर किया हुआ था। मोती को दिखाया था किस तरीके से इसमें स्टिच हुई है, मगर बताया नहीं था किस तरीके से स्टिच करना है। वो आज हम इसमें बताएंगे इस वाली वीडियो में कि कैसे मोतियों को स्टिच करना है और कैसा लुक दिखता है इसका बनने के बाद। मतलब जैसे हमने फर्स्ट रो इसके कम्प्लीट किए, सेकेंड रो कम्प्लीट किए, अभी थर्ड रो बाकी। थर्ड रो के बनाने के लिए हमें फोर्थ रो कम्प्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी इसका अब एक दो तीन ही पार्ट कम्प्लीट हुआ है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका लुक कैसा लगता है। हमने एक और सेकेंड पार्ट इसका बना करके मोतियाँ स्टिच कर दी हैं और मोतियों को कैसे स्टिच करना है वो हम बताएंगे इसी पार्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम खोलते हैं, टू पार्ट्स में हमने डिवाइड किया इसको। ये देखिए इसका लुक, देखिए ये देखिए हमने मोतियाँ कितनी प्यारी लग रही थी। थोड़ा सा इसको हम आपको बड़ा साइज़ करके दिखाते हैं। ये देखिए इसका लुक, वाओ। ये देखिए यहाँ से ऐसे कितना प्यारा लुक दे रहा है ये देखिए जो मोतियाँ हमने थ्रेड में लगा रखी थी ना, आप इसका गोला बना सकते हैं। हमने इसका गोला बनाया था सेकंड वाले लगा करके, लेकिन ये जो है ना, मतलब बनाते बनाते ख़त्म हो गया है उल, थोड़ा सा और बचा है तो ये हमने खुल गया है हमसे। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे ये मोतियों को इस तरीके से पिरो लिया है और देखिए हमने इसको इतना कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आज ही हमने इतना सारा कंप्लीट किया है, थोड़ा सा बाकी रह गया है। ये देखिए इतना वही आपको दिखाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो फिर हम स्टार्टिंग से ग्रीन वाले में दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने इसको स्टिच किया। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, देखिए ऐसे झालरों वाली मोतियाँ, देखिए कितना प्यारा लुक है इसका, ये देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हमने मोतियों को इसमें स्टिच किया। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। आप चाहें तो इसका ऑड कलर भी लगा सकते हैं, मतलब कि आप चाहें तो वाइट कलर का यूज़ कर सकते हैं, वो किसी पे भी अच्छा लगेगा। और वरना ये थोड़ा अलग यूनिक सा बन जा रहा है, जैसे कि आपने ग्रीन से ही बनाया है तो कोई ये नहीं जानेगा कि ग्रीन से है तो इसके मतलब अलग से बना है या उसी से बना हुआ है, ठीक है। दूसरा कलर लगाएंगे, दूसरा थ्रेड लगाएंगे तो मालूम चलेगा। तो उस तरीके का भी मैं आपको बना के दिखाऊंगी, जैसे कि मैंने मानिए रेड कलर से बनाया और उसमें वाइट कलर से मोतियाँ वाइट कलर के धागे में बना के दिखाएंगे, ठीक। तो वो भी एक बना के दिखाएंगे और ये जो है हमारा ये तो आपके साथ हम शेयर करेंगे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से मोतियों को लगाएंगे। ये देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए रेड वाला भी और ये भी, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ पे क्रोशे में, ये देखिए ऐसे यहाँ पे, इससे हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, इससे कुछ भी नहीं करना है। देखिए करना क्या है हमें, थ्रेड को उलझाना नहीं है। ये देखिए उलझ रहा है यहाँ पे, इसको खोल दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे आप गौर से देखिएगा किस तरीके से हम मोती को स्टिच करेंगे। क्रोशिया हमारा वही है जो हम यूज़ करते हैं अक्सर। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आठ नंबर का क्रोशिया है, ये देखिए, ये देखिए आठ नंबर का है ना, तो जो हम यूज़ करते हैं वही वाला है। देखिए क्या करेंगे, दो मोती ले लेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे लेंगे। और जो देखिए जो यहाँ पे है ना, जो हमने जैसे एक ये बन बुना है, एक देखिएगा आपको थोड़ा हम इसको बड़ा करके दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए जैसे हमने यहाँ पे एक दो, जो हमारे डबल डबल क्रोशिया आपको दिख रहे हैं ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये जितने भी दिख रहे हैं इसके बीचों बीच से हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस जगह से निकालेंगे और मोती को हम इधर छोड़ेंगे, देखिए इधर है ना, तो इसको यहाँ नीचे लाएंगे और इस बीच वाले धागे को पकड़ के ऐसे ऐसे, ठीक है, और उसके बाद से इसको खींचेंगे, ठीक है। इधर से भी टाइट ऐसे खींच लिया जाएगा और इधर से थोड़ा सा सरका देंगे इसको ऐसे मोती को, तो जितना लंबा हमको बनाना है ना उतना लंबा इसको खींच के ऐसे देख लेंगे, इन मोतियों को आपस में ऐसे देख लेंगे, इस तरीके से बराबर कर लेंगे ऐसे ऐसे खींच करके। देखिए इस तरीके से खींच करके बराबर कर लेंगे, छोटा बड़ा ना होने पाए, ये देखिए इस तरीके से। और फिर धीरे से इसको ऐसे ऐसे देखिए इस तरीके से निकाल देंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा ये बन करके ये कंप्लीट हो गया मोती वाला। आप चाहें तो एक मोती रख सकते हैं, हमने डबल रखा है क्योंकि डबल ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में और थोड़ा सा गजिन हो जा रहा है ना। तो और अब इसके लिए फिर देखिए दो मोती को हम नीचे सरकाएंगे, देखिएगा बहुत ध्यान से, दो मोतियों को हम नीचे लाएंगे, ठीक है, दो मोतियों को नीचे लाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में डाल के यहाँ पे देखिए ऐसे, और इसको इसमें से ऐसे निकालेंगे। अब यहाँ पे हमें बांधना नहीं है, पहले हम देखिए इसको ऐसे थोड़ा ऐसे है ना खींचेंगे इसको, मतलब जितनी इसकी लेंथ रखनी है हमें उतनी लेंथ रखेंगे। ये देखिए लंबाई जितनी इसकी रखनी है, ये देखिए देख लेंगे ऐसे, और मोतियों को ऐसे खींच करके देख लेंगे कि हो गया, देखिए हो गया है ना। और उसके बाद से फिर हम इसमें ऐसे खींचते हुए इसको हल्के हाथों से इसमें से ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से करते हुए हमने पूरा कंप्लीट किया है,
ऐसे थोड़ा सा इसको और हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए थोड़ा सा दूरी से देख लीजिए, ये देखिए। फिर हम नेक्स्ट इसमें ऐसे डालेंगे, ठीक है। तो अभी नहीं डालेंगे, पहले देखिए मोती को खींच लेंगे, दो मोतियाँ खींचेंगे क्योंकि हम दो मोतियाँ यूज़ कर रहे हैं ना, तो दो मोतियों को खींचेंगे। अब हम देखिए इसमें डाल करके, ठीक है, और ऐसे करते हुए इसमें से निकालेंगे। अब इसको हम खींचेंगे ऐसे, देखिए ऐसे। अब ऐसे हम खींचेंगे इसको, ये देखिए इसके बराबर कर लेंगे इतना, ठीक है। और उसके बाद से फिर इन दोनों को आपस में ऐसे निकाल देंगे, ठीक। फिर देखिए एक बार आप दो मोतियों को खींच लेते हैं इस तरीके से नीचे साइड में, ठीक है। दो मोतियों को यहाँ किया हमने, अब इसमें से डालेंगे, ऐसे डाला और यहाँ से इसकी हमने ऐसे खींच करके ऐसे बुन दिया। मोती हमारी हाथ में आ गई इसमें नीचे। अब इसको खींच लेंगे दोनों साइड से, एक साइड से टाइट कर देंगे और एक साइड से ढीला करेंगे, जितना हमको रखना होगा ना उतना रख लेंगे, और फिर ढीले हाथों से इसको ऐसे इसमें बुन देंगे, ठीक है। फिर देखिएगा नेक्स्ट, पहले मोतियों को ऐसे, आपको हम बार बार बता रहे हैं ताकि अगर आप भूलें भी तो देखते जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए कितना इजी प्रोसेस है मोतियों को इसमें स्टिच करना, कोई टफ नहीं है। ये देखिए बहुत ही इजी है, इस तरीके से ला के इसमें से ऐसे धीरे से निकाल देना, ये देखिए। फिर दो मोतियाँ लाएंगे ऐसे, देखिए जैसे ये है ना, तो हमको यहाँ से नहीं बुनना है वरना मोती हमारी बाहर हो जाएगी, यहाँ कर देना है और यहाँ से बुनावट करेंगे। देखिए यहाँ से बुनावट करेंगे ना, ऐसे खींचेंगे तो मोती हमारी अंदर आ जाएगी, इस राउंड में आ जाएगी, ठीक है। अब एक बार और देख लीजिए आप, यहाँ से ऐसे डालेंगे, ठीक है, और यहाँ से खींच लेंगे, मोती हमारी देखिए अंदर आ गई। अब मोती सहित हम थ्रेड को इसमें खींच लेंगे, देखिए इधर से खींचेंगे, एक साइड से ढीला हो सकता है, एक साइड से टाइट हो जाएगा, तो ऐसे खींच करके ऐसे, ये देखिए इस तरीके से खींचने के बाद ना, उसके बाद से हम यहाँ पे इसको धीरे ढीले हाथों से ऐसे इसको बुन लेंगे, ठीक। फिर देखिए फिर नेक्स्ट दो मोतियों को लेंगे इस तरीके से। देखिए आज की वीडियो में हम आपको केवल मोती को ही स्टिच करना बताएंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं कई बार और वहाँ से देख करके आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही यूनिक, बहुत प्यारी डिज़ाइन है, आप भी स्टार्ट करिए और बना कर देखिए कितना प्यारा ये लुक देने वाला थाल पोस है, कितना प्यारा लगने वाला है, जिसका हिसाब नहीं है। देखिए बहुत ही प्यारा लगने वाला है ये थाल पोस डिज़ाइन, ये देखिए यहाँ ऐसे किया हमने और देखिए ऐसे, ठीक है। देखिए यहाँ भी इसको हमने कर लिया। फिर दो मोतियों को लेंगे, ये देखिए फिर दो मोतियों को लिया हमने और फिर नेक्स्ट यहाँ इसमें से डाल करके यहाँ से थ्रेड को ऐसे खींच देंगे, ठीक है। अब धागे को ऐसे खींचेंगे, देख लेंगे जितना रखना है हमको उतना इसकी लेंथ, और ये देखिए इतना लेके फिर यहाँ से इसको ढीला छोड़ देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट मोती लेंगे, पहले कभी भी पहले देखिए मोती को लेके खींच लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद देखिए जो ये थ्रेड है ना इसके, देखिए इसके बीचों बीच जो ग्रीन वाला है ना इसके बीचों बीच में से डाल के ऐसे, ठीक। अब इन दोनों को खींच लेंगे, देखिए तो इधर से कट टाइट हो जाएगा लेकिन इधर से हम धागे को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए छोटा बड़ा कर लेंगे ऐसे, और इसको फिर यहाँ से डबल थ्रेड रखेंगे तो जिससे अच्छा लगेगा। हमने हमेशा डबल थ्रेड का ही यूज़ किया, देखिए सिंगल नहीं रखा है तो ये ज़्यादा गजीन है ना, तो कितना खूबसूरत सा लग रहा है। तो डबल रखिएगा, सिंगल मत रखिएगा वरना अच्छा नहीं लगेगा, उतना लुक नहीं अच्छा लगेगा इसका। फिर हम क्या करेंगे, दो मोतियों को ऐसे लेंगे और फिर देखिए फ्रेंड्स इसमें फिर इस ग्रीन वाले में डाल करके, और देखिए ऐसे खींच लेंगे इसमें से, ठीक है। अब इसको हम टाइट कर लेंगे दोनों साइड से, देखिए दोनों साइड से ऐसे टाइट करके ऐसे खींच लेंगे, देखिए मोतियों को देख लेंगे। फिर यहाँ से ढीले हाथों से ऐसे हम इसको ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। ये देखिए अब एकदम लास्ट हम आ गए हैं, ये जो हमने स्टार्टिंग की थी ना वो थ्रेड है, इसको हम बाद में कट करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आएगा फ्रेंड्स तो कमेंट करिए, तो मैं फिर से इसकी स्टार्टिंग से बता दूंगी कैसे हमने मोतियों को स्टिच किया है, वरना तो आप देख करके समझ ही सकते हैं, बहुत ही इजी है। ये देखिए फिर इस जो ये वाला थ्रेड है ना जिसमें हमने मोतियों को, ये देखिए इधर टाइट करेंगे और इधर से खींच करके इसको थोड़ा सा ढीला छोड़ देंगे जितना लंबा हमें रखना है, ठीक है। ये देखिए ऐसे थोड़ा सा ये खींच नहीं रहा है तो थोड़ा और खींच लेते हैं इसको, ये देखिए खींच गया इसके बराबर हो गया। देखिए लुक इसका देखिए कितना इस तरीके से दो मोतियां हम रख रहे हैं ना, तो आप भी अगर यूज़ करिए तो दो मोतियों थोड़ी मोतियां लगेंगी ज़्यादा लेकिन इसका लुक बहुत निखर के आने वाला है, बहुत प्यारा बनने वाला है। तो मोतियों की चिंता ना करते हुए आप मोती लगाइएगा जिससे कि थल पोस की रौनक बढ़ जाएगी।
दो दो मोती लगाएंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। अगर आपको और अच्छा और गजिन बनाना है तो आप तीन तीन मोतियाँ लगा सकते हैं, जिससे कि वो और भी प्यारा लगेगा। ये देखिए, हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे खींच करके ऐसे देख लिया, ये इसकी लेंथ देख लीजिए ऐसे, और फिर इसमें फंसा करके इस थ्रेड को ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है, ऐसे निकाल लिया हमने। अब देखना है इसको, हम थ्रेड को कट करेंगे। ठीक है, पहले इसको बिछा करके देख लेते हैं कि कितना ये कंप्लीट हो गया है। देखिए इस तरीके से ऐसे, है ना, इसको चारों तरफ से इसको ऐसे फैला लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कहाँ से इस थ्रेड को, यहाँ पे ये ना पूरा हमारा यहाँ पे कवर हो गया है। ठीक है, ऐसे पूरा कवर हो गया ना, तो यहाँ देख लेते हैं इधर सूनापन ना लगे। यहाँ हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर ली है कि खाली है, तो ये देखिए यहाँ भी हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ये देखिए ये है, थोड़ा सा हल्का दिख रहा है ना, लेकिन फिर भी हम देखिए इसको बताते हैं आपको। कैंची लेंगे और इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी ये पूरा हो गया है, इसको ऐसे कट करके ऐसे देखिए निकाल देंगे। ठीक है, और देखिए इसको स्टिच कैसे करेंगे, ऐसे इसको निकाल देंगे, और देखिए जो पहले का था ना ये यहाँ पे, इन दोनों को यहाँ पे एक गांठ लगा करके पीछे साइड से खींच लेंगे, और वहाँ पे इन दोनों को आपस में स्टिच करेंगे। अब यहाँ से देखिए इधर से हम क्रोशिया डालेंगे, इधर से डाला हमने, ऐसे डालेंगे और इन दोनों धागों को, रेड वालों को ऐसे पकड़ करके, और इसमें से देखिए ऐसे खींच करके इधर से ऐसे निकाल देंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, ऐसे निकल गया ना। अब देखिए इधर से बिनावट देखिए, ज़रा सा भी कुछ मालूम नहीं चलेगा। ऐसे इधर देखिए, यहाँ पे हमने, यहाँ पे देखिए कहाँ पे हमने थ्रेड को निकाला है, ये देखिए रेड वाला निकाला ना, रेड वाला हमने बनाया था, रेड वाला निकाला है। अब यहाँ पर हम गांठ लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से देखिए यहाँ पे ऐसे गांठ लगा देंगे। ठीक, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हम गांठ लगा देंगे। आप चाहें तो इसको जितना बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा इस थल को उसको बना करके कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि छोटा बना सकते हैं, बड़ा आप जैसा चाहें उतना बड़ा बना। और पीछे से देखिए ज़रा सा कहीं से आपको ये नहीं मालूम चलेगा कि कहाँ से स्टार्ट किया गया है, कहाँ से मोतियों को स्टिच किया है। पीछे देखिए कितना प्यारा, एकदम सुनसान, कितना मतलब सादा, कुछ भी नहीं मालूम चल रहा कि इसमें डिज़ाइन भी होगी। लग रहा है कि बस ये सिंपल ही होगा, कोई नहीं मालूम कर सकते पीछे देखिए कि इसमें कोई डिज़ाइन बनी होगी। ठीक है, और इन थ्रेड्स को हम ऐसे आपस में वो स्टिच करते हुए ऐसे बांधते हुए कट कर देंगे, जितने एक्स्ट्रा थ्रेड है ना उनको कट कर देंगे। फिर आपको बताते हैं इसको हम और बड़ा करेंगे, और उसके बाद से इसमें मोतियों को भी स्टिच करेंगे, थोड़ा हम बड़ा बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ से हमने इसे कट कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से कट कर देंगे, जहाँ जहाँ हमने थ्रेड को छोड़ दिया था पहले वहाँ से इसको कट करके हटा देंगे। ये देखिए, और यहाँ से भी हटा देंगे, ये देखिए, और ये देखिए। आप देखिए इसको हम ऐसे पलट लेते हैं, वाओ ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए बस मोतियाँ ही मोतियाँ, जहाँ पे थ्रेड एक्स्ट्रा है वहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इसको स्टिच किया था, यहाँ धागा हमारा ख़त्म हो गया था तो यहाँ पे हमने ज्वाइंट किया था, लेकिन हमने इसको कट नहीं किया था। ठीक है, तो इसको भी हम कट कर देंगे इन दोनों थ्रेड्स को, तो जिससे ये दिखेगा नहीं गांठ यहाँ पर ऐसे। ये देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत है ये लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए बन करके कंप्लीट हो गया है, और ये है हमको आगे लेके जाना है यहाँ से। अब हमारा देखिए कितने रो हमें कंप्लीट करने हैं, एक दो तीन चार, यहाँ भी एक दो तीन चार, तो अभी हमें चार रो रेड वाले बिनने हैं। जब रेड वाले चार बिनेंगे तो यहाँ से हम फिर ग्रीन वाला लगाएंगे, ग्रीन के बाद फिर रेड, मतलब जिसको आप जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं। तो हमें बड़ा ही बनाना है, छोटा नहीं, लेकिन हमने आपके साथ शेयर किया है इसको दिखाने के लिए कि आप देख लें किस तरीके से बनेगा, और जल्दी स्टार्ट करिए और इस थल पर उसको कम्प्लीट करिए, बनाइए। ठीक है, देखिए ज़रा ऐसे देखिए, आपको हम दिखाते हैं इसका लुक, ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए, और फ्रेंड्स इसको ऐसे लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे लीजिए, यहाँ से ऐसे लीजिए, एकदम यूनिक सी डिज़ाइन बनने वाली है। देखिए यहाँ से लीजिए और यहाँ से लीजिए, ठीक है, मतलब कि चारों तरफ से इसको हम बांध लेते हैं, और उसके बाद से इसका लुक देखते हैं। ये देखिए यहाँ से लीजिए और इधर से ऐसे लीजिए, और ये देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है, उठाइए फिर भी झमर झमर करेगा ये मोतियों की वजह से। ठीक है, तो ये देखिए इसको हम यहाँ पे फैला लेते हैं इसका ऐसे, और बीच में हम आपको इसको फ्लावर लगा करके दिखाते हैं। ठीक है, आप देखिए हमने इसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों ही शेयर कर दिया, एक में हमने आपको इसमें सिंपल बनाना बताया है,
सिंपल बताया है कि किस तरीके से सिंपल बनाएंगे, और इसमें फिर मोतियों को स्टिच करना भी बता दिया है। एक दिन हमने आपके साथ इसकी मतलब मोतियाँ लगाने के बाद, इतना मोतियाँ लगाने के बाद शेयर किया था कि किस तरीके से इसका लुक दिखता है मोतियाँ लगने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा लग रहा है रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन। और हमारा ये रोज़ फ्लावर है जो हमने यहाँ पर स्टिच करना है, ये देखिए। ठीक है, तो ये देखिए जो हमने यहाँ पर स्टिच करना है वो फ्लावर देखिए, और ये थाल पोस देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि मेरी आने वाली नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ठीक है, मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ नया लेकर। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।